ओम शांति। आज की तारीख है 21/6/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे तुम ज्ञान सागर बाप के पास आते हो सन्मुख मिलन मनाने, बादल भरने, तुम यहाँ कोई तीर्थ करने व पहाड़ी की हवा खाने नहीं आते हो। प्रश्न है, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए किस विधि से चलते रहो तो एवल हेल्दी बन जाएंगे? उत्तर है, एवर हेल्दी बनने के लिए सदैव बाबा बाबा करते रहो, तुम्हीं से खाऊं, तुम्हीं से घूमूं, सब कुछ बुद्धि से बाप के हवाले कर दो। ऐसा समझ कर चलो कि हम शिव बाबा की परवरिश के अंदर पल रहे हैं। किसी भी चीज में ममत्व न रहे, अर्पण करके उसके हुक्म से खाओ तो सब पवित्र हो जाएगा और तुम एवर हेल्दी बन जाओगे। गीत बजा है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर एक, ऊंची मंजिल पर जाने के लिए बाप, टीचर और गुरु के रूप में हमें तीन इंजन मिले हैं, सदा इसी स्मृति से आगे बढ़ना है। नंबर दो है, बुद्धि से सब कुछ बाप के हवाले कर उनकी परवरिश के नीचे पलना है। तो वरदान है, अनुभवों की संपन्नता द्वारा सदा उमंग और उत्साह में रहने वाले मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी भव। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि अनुभव बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी है। हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान के पॉइंट के अनुभव में संपन्न बनो तो चेहरे पर भी सदा उमंग उत्साह की चमक दिखाई देगी। अब सुनने सुनाने के साथ साथ अनुभवी मूरत बनने का भी विशेष पाठ बजाओ। अनुभव की अथॉरिटी वाले स्वयं को सदैव भरपूर आत्मा अनुभव करेंगे। जैसे बीज भरपूर होता है ना, ऐसे ज्ञान, गुण, शक्तियाँ सब में भरपूर होने के कारण मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी वाले बन जाते हैं। स्लोगन, अमृत वेला विशेष प्रभु पालना की बेला है। इसका महत्व जान पूरा लाभ लो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।